गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू ऑफ क्लास 6. द नेम ऑफ द चैप्टर इज थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए. द वर्ड्स आई हैव अंडरलाइंड इन दिस चैप्टर, यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. थॉमस फुलर हैज सेड, A word and a stone let go cannot be called back. Thomas Fuller जो हैं उन्होंने कहा है कि शब्द और पत्थर एक बार अगर फेंक दिया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता. We must think twice before we utter a word. और उनका कहना है कि हम जब भी कोई शब्द बोलें तो उससे पहले हमें कम से कम दो बार सोचना चाहिए कि ये शब्द सही है या उस टाइम पे वो शब्द आपको बोलना चाहिए या नहीं. Our words should not hurt others. और हमारे जो शब्द हैं वो दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए. Here is a story of a girl called Shruti who spoke harsh word to her friend and later on repented her rude behavior. यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम श्रुति है उसके बारे में स्टोरी दी गई है कि वो एक बार अपने एक फ्रेंड से कड़े शब्दों में बात करती है और बाद में वो अपने उस व्यवहार के लिए पछतावा करती है, वो पछताती है. श्रुति वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल. वन डे शी हैड स्पोकन रूडली टू हर फ्रेंड. लेटर ऑन शी फेल्ट सॉरी. शी वेंट टू हर वार्डन एंड सेड आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग. श्रुति जो है वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है और एक दिन वो अपने फ्रेंड से बुरी तरीके से या फिर खड़ूस आवाज़ में बात करती है और उसके बाद फिर कुछ समय बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया है तो वो उसके लिए सॉरी फील करती है. तब वो जा कर के अपने जो स्कूल वहाँ पे जो बोर्डिंग स्कूल की जो वार्डन रहती हैं उनके पास जा कर के उनसे बोलती हैं कि वो अपने गलती का एहसास करना चाहती है और वो उसे स्वीकार करती है. वॉट इज़ इट माई चाइल्ड, द वार्डन सेड. जब वो जाती है अपने वार्डन से वो बोलती है कि मैं किसी चीज़ के लिए कन्फेस करना चाहती हूँ तो वार्डन जो रहती हैं वो पूछती हैं कि वो क्या बात है मेरी बच्ची. टुडे आई वॉज वेरी रूड एंड अनकाइंड टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स. तो फिर जो श्रुति रहती है वो उन्हें बताती है कि आज मैं अपनी एक दोस्त से बहुत ही रूड और बहुत ही निर्दयी पूर्वक बात की है. प्लीज़ टेल मी हाउ कैन अनडू द रॉन्ग आई हैव कमिटेड. तो वो बोलते फिर श्रुति पूछती है अपने वार्डन से कि आप कृपया करके बताएं कि मैं इस अपनी गलती को कैसे वापस से सही कर सकती हूँ और अपनी गलती कैसे स्वीकार कर सकती हूँ. The warden picked up a sheet of paper and tore it into many small fragments. Underline the word fragment. The warden, fragments and gave it to Shruti and said, "Go and scatter these bits of paper in the school campus." तो जो वार्डन रहती हैं वो एक पेपर का शीट उठाती हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती हैं और वो श्रुति को दे देती हैं. दे करके वो बोलती हैं कि वो उस टुकड़ों को ले जा करके स्कूल के कैंपस में बिखरा दे, इधर उधर फैला दे. श्रुति डिड एज शी वॉज टोल्ड. और श्रुति ऐसा ही करती है जैसा कि उसके स्कूल वार्डन ने बोला था. एज सून एज शी स्कैटर्ड द बिट्स ऑफ पेपर अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड ब्लू. ऑल द पीसेस फ्लू हाइदर एंड दाइदर एंड वर लॉस्ट. और जैसे ही वो उन टुकड़ों को बिखेरती है कैंपस में तभी एक हवा का झोंका आता है और सारे पीसेस को इधर उधर फैला देता है और उनमें से कुछ टुकड़े तो खो भी जाते हैं. शी देन रिटर्न्ड टू हर वार्डन एंड टोल्ड हर व्हाट शी हैड डन. द वार्डन देन टोल्ड हर नाउ गो एंड ब्रिंग ऑल दोज बिट्स ऑफ पेपर बैक. तो फिर अब श्रुति वो फैलाने के बाद जब हवा से वो सब उड़ जाते हैं टुकड़े इधर उधर तो फिर वो जाती है वापस वार्डन के पास और उन्हें ये सब कुछ बताती है. तो वार्डन जो रहती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है अब तुम जाओ कैंपस में और उन पेपर के टुकड़ों को वापस लेकर के आओ. श्रुति वेंट टू द स्कूल कैंपस एंड सर्च्ड फॉर द बिट्स ऑफ पेपर. श्रुति फिर स्कूल के कैंपस में जाती है और उन पेपर के टुकड़ों को ढूंढना शुरू करती है. बट शी कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल बिट. लेकिन उसे एक सिंगल टुकड़ा भी पेपर का नहीं मिलता है.
After searching for a while, she returned to her warden's room and said, "Madam, I could not find even a single bit of paper." और वो बहुत ढूंढती है और उसे एक टुकड़ा भी पेपर का नहीं मिलता है. तो फिर वो वापस वार्डन के पास आती है और बोलती है कि मैडम, मुझे उस पेपर, उन पेपर के टुकड़ों का एक टुकड़ा भी नहीं मिला है. Then her warden explained to her, "My child, similar is the case with the words you speak." जब वो ऐसा बोलती है तो उसकी वार्डन जो रहती हैं मैम, वो उसे समझाती हैं कि बेटा, ठीक इसी तरीके का हमारे शब्दों के साथ भी होता है जो हम बोलते हैं. No sooner do they leave your lips than they are scattered and lost forever. और आगे उसे समझाती हैं कि जैसे ही हमारे होठों से शब्द छूटते हैं वैसे ही वो बिखर जाते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं. Do whatever you can, but you will never be able to get them back again. और उसके बाद जब शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं, हमारे होठों से छूट जाते हैं, उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, वो शब्द आपके पास वापस कभी नहीं आएंगे. श्रुति प्रॉमिस्ड शी वुड नेवर यूज हार्श वर्ड अगेन. तब से श्रुति जो है वो वादा करती है कि वो आगे से कठोर शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करेगी. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द वर्ड वी स्पीक. और इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी शब्द बोलते हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए. बिफोर अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड वी मस्ट मेक श्योर दैट वॉट वी आर गोइंग टू स्पीक इज बेटर दैन साइलेंस. इफ नॉट देन वी मस्ट रिमेन साइलेंट. और जब भी हम कोई शब्द, एक सिंगल वर्ड भी अगर बोलने जाते हैं तो हमें सोचना चाहिए क्या ये शब्द बोलने से अच्छा है कि हम शांत रहें. और अगर आपको समझ में आता है कि यहाँ पे शांत रहना बेटर है तो आप वहाँ पे शांत रहिए, बजाय इसके कि आप कुछ गलत शब्द किसी अगले को बोलें जिसके लिए बाद में आपको भी पछतावा हो. तो ऐसे सिचुएशन में बेटर चीज़ है कि आप वहाँ पर शांत रहें. इफ़ वी टेक केयर ऑफ दिस सिंपल रूल वी विल नॉट हैव टू रिपेंट. और अगर आप इस छोटी सी एक सिंपल से नियम का पालन करते हैं तो फिर आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा या फिर पछताने वाली सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी. सो दिस वॉज अ स्मॉल स्टोरी. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टेक द करेक्ट आंसर. नंबर वन, वी शुड ऑलवेज यूज, आंसर इज पोलाइट वर्ड्स. नंबर टू, श्रुति वॉज स्टडिंग इन अ, answer is boarding school. Number 3, Shruti had spoken to her friend, answer is rudely. State true or false. Number 1, we must think before speak, it is true. Number 2, Shruti spoke harsh words to her friend, it is true. Number 3, Shruti did not feel sorry, it is false. Number 4, a word let go can be called back, it is false. Number 5, our words should not hurt other, it is true. Now fill in the blanks. Number 1, our words should not dash others, it is hurt. Number 2, Shruti had spoken dash words to his friend, answer is harsh. We must take care of the word we dash, it is speak. Number 4, Shruti felt dash, it is sorry. Number 5, if we take care of speak, we will not have to dash. Answer is repent. So that's all for today. Thank you so much.